हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूँ हीना और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मुरलीज मैंगो ट्री। मुरली जी का आम का पेड़। ये मेरा चैनल है हीना द स्टोरी टेलर के नाम से, जिसमें मैं ग्रेड वन के सारे चैप्टर्स एक एक करके पढ़ा रही हूँ। एंड आप मेरा चैनल विजिट कीजिए। अगर आपको मेरी चीजें, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो देयर इज अ रिक्वेस्ट, आप काइंडली मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मुरलीज मैंगो ट्री, मुरली का आम का पेड़। लिसन, सुनिए, रीड, पढ़िए एंड इंजॉय दिस स्टोरी, और इस स्टोरी को मजे से सुनिए, मजे से पढ़िए, राइट? तो अब ये स्टोरी क्या कहती है। वन डे, एक दिन, मुरली एट अ मैंगो। मुरली ने एक आम खाया। ही थ्रू द सीड, उसने बीजा फेंक दिया। बिहाइंड हिज हाउस, उसके घर के पीछे। मैनी मंथ्स लेटर, बहुत महीनों बाद, ही सॉ अ प्लांट, उसने एक पौधा देखा। मुरली ने एक प्लांट देखा। ही वॉटर्ड द प्लांट एवरी डे, हर दिन उसने उस प्लांट को पानी दिया। द प्लांट ग्रू, पौधा बढ़ गया, उग गया इंटू अ बिग मैंगो ट्री, एक बड़े से आम के पेड़ में। मतलब ये छोटा पौधा एक बड़ा आम का पेड़ बन गया। एवरी समर, हर गर्मी में, मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, बहुत सारे आम उस पेड़ पर उगते हैं। नाउ, अब मुरलीज चिल्ड्रन, मुरली के बच्चे, ईट द मैंगोज, आम खाते हैं। ये कितनी शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी है। बेसिकली ये देखिए, मैं आपको अगर पिक्चर से बताऊं, ये मुरली है, हम समझ सकते हैं। ये जब छोटे थे, इन्होंने आम खाया और उसका बीज अपने घर के पीछे फेंक दिया। ये देखिए मुरली का घर। ठीक, बहुत महीनों बाद, बहुत समय बाद, वो जो बीज था उससे एक पौधा पनपा। मुरली उस पौधे को रोज पानी देने लगा और वो छोटा सा पौधा एक बड़ा सा आम का पेड़ बन गया, जिसमें हर गर्मी में इतने सारे आम आते हैं कि अब मुरली के बच्चे, ये देखिए मुरली को तीन बच्चे हैं, एक दो तीन के बच्चे अब आम खाते हैं इस पेड़ से। वाह, कितना बढ़िया स्टोरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है रीड द सेंटेंसेस, ये नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें पढ़िए एंड टिक, और टिक लगाइए द राइट पिक्चर, सही पिक्चर पे। आप समझिए मैम क्या कह रही हैं। मुरली एट अ, मुरली ने खाया, बनाना खाया कि मैंगो, बताइए। ऑफ कोर्स मैंगो, आम। मुरली एट अ मैंगो वन डे, तो मैंने मैंगो के ऊपर टिक लगा दिया। He threw the, उसने फेंका सीड और मैंगो, क्या फेंका उसने? ऑफ कोर्स सीड, तो सीड को टिक कीजिए। He threw the seed behind the house, behind his house, अपने घर के पीछे। Many months later, बहुत महीनों बाद, he saw a seed और प्लांट, क्या देखा उसने? ऑफ कोर्स प्लांट देखा, तो प्लांट को टिक लगाइए। He वॉटर्ड द, उसने पानी दिया सीड को कि प्लांट को? ऑफ कोर्स प्लांट को। सो ही वॉटर्ड द प्लांट एवरी डे। मैनी एप्पल्स और मैंगोज, क्या आए उस पेड़ पे? ऑफ कोर्स मैंगोज आए, तो मैंगो को टिक कीजिए। मैनी मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री, डन, इजी, राइट? कॉपी कीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ ट्री, एक पेड़ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, लेट मी गेट दिस। ओके, वेट वेट, लेट मी रीड दिस फर्स्ट। ड्रॉ अ ट्री, एक पेड़ ड्रॉ कीजिए। शोइंग लीव्स, जिसमें पत्तियां हो, ब्रांचेस, शाखाएं हो,
फ्रूट्स फल हो, बर्ड्स चिड़ियाएं हो, नेस्ट घोंसला हो एंड अ स्विंग। अब ये सब अपन को एक पेड़ पे दिखाना है, ठीक है? मैम ड्रॉ करेंगी, आप कॉपी करना। लेट्स स्टार्ट विद द ट्री ट्रंक। ओके, ये देखिए, ये मैंने चालू किया मोटा सा ट्री का ट्रंक। ओके, अब इस ट्री ट्रंक से ब्रांचेस निकालेंगे, छोटी छोटी शाखाएं। टू, ये निकाल देते हैं। थ्री, ये फोर, राइट। अब इन ब्रांचेस के अराउंड हम बनाएंगे लीव्स। ये देखिए, ये बना ली हमने पूरी लीव्स। ओके, अंदर और भी ऐसे 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 आप कर सकते हैं, ठीक। अब इन ब्रांचेस से अपन लटकाएंगे कुछ फ्रूट्स, ठीक। इन्हें आप रेड कलर कर देना, ठीक है। लीव्स ऑफ कोर्स ग्रीन कलर की होंगी और ये ब्रांचेस ब्राउन कलर की। कलरिंग करें तो कलरिंग तो आप खुद कीजिएगा। ये मैं बना रही हूँ फ्रूट्स नीचे लटके हुए, दिखते हैं। अब फ्रूट्स के बाद मैं बनाऊंगी कुछ चिड़िया। इधर चिड़िया को अपन बिठा देते हैं, ये इसकी बीक, ये चिड़िया का फेस। आप प्लीज अच्छी अच्छी बनाना, मैम को जैसे आती है मैम वैसे बना रहे हैं। ये बन गई चिड़िया का मुंह और इसकी बीक थोड़ी जोड़ देते हैं ऐसे। और इधर अब अपन बनाएंगे एक नेस्ट। ये ऐसे किया, थोड़ा इसको ऐसे ऐसे ट्विग्स दिखाइए ब्राउन कलर की, जैसे होती है नेस्ट में, है ना। और इस नेस्ट के अंदर दो अंडे दिखाते हैं, ये एक अंडा और ये दूसरा अंडा, राइट। नेस्ट बन गया। अब अपन दिखाएंगे एक झूला। ये देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से करो ना, ना ना ना, ब्रांच से झूला लटकाओ। हाँ, तो इसको ऐसे जोड़ दो ब्रांच से, है ना, बिकॉज ब्रांच पे झूला टंगता है। ये ऐसे नीचे दो लाइनें ले आए और फिर ये सीट बना दी झूले की अपन ने, राइट। और इस सीट पे एक बच्चा भी बिठा दो, ये हम हैं, ये हम झूला झूल रहे हैं। प्लीज आप अच्छा बनाना। ये मैम है, ऐसे ऐसे बना दिया और ये टू आईज बना दी, राइट। फनी है बट ठीक है, क्यूट। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कहता है ये, लेट्स टॉक, चलिए बातचीत करते हैं। डिस्क्राइब द पिक्चर, ये जो आपने ऊपर पिक्चर बनाई है इसका विवरण कीजिए, इसको डिस्क्राइब कीजिए यूजिंग ऑल द वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं अबव ऊपर। वेरी इजी, मतलब जितने भी वर्ड्स इन्होंने दिए ना, क्या क्या दिया, ब्रांचेस फ्रूट्स बर्ड्स नेस्ट लीव्स स्विंग्स, ये सारे वर्ड्स यूज करके अपन को इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। सो मैम इज राइटिंग, यू कॉपी इट। लेट्स राइट हियर, इट सेज, टी कैपिटल लिखिए, देयर इज अ बिग ट्री इन द पिक्चर, ठीक। इस पिक्चर में एक बड़ा सा पेड़ है, फुल स्टॉप। इट हैज मैनी ग्रीन लीव्स, बहुत सी हरी पत्तियां हैं इस पेड़ पे। द ट्री हैज रेड फ्रूट्स, इस पेड़ पर लाल रंग के फल है। देयर, THEIR, देयर इज अ बर्ड सिटिंग ऑन
The tree, a nest with two eggs can be seen. एक नेस्ट जिसके अंदर दो अंडे हैं वो भी दिखता है, ठीक है? फिर लिखेंगे झूले के बारे में. अ स्विंग इज टाइड, एक स्विंग टंगा हुआ है ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस, शाखाओं, एक शाखा पर. इट इज अ ब्यूटिफुल ट्री. फिनिश. तो हमने क्या लिखा? देर इज अ बिग ट्री इन द पिक्चर. इट हैज मेनी ग्रीन लीव्स. द ट्री हैज रेड फ्रूट्स. देर इज अ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री. अ नेस्ट विद टू एग्स कैन बी सीन. अ स्विंग इज टाइड ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस. इट इज अ ब्यूटिफुल ट्री. ठीक है, ये प्यारा सा सुंदर सा पेड़ है. क्वेश्चन नंबर टू, शुड ट्रीज बी कट, क्या पेड़ों को काटना चाहिए? बिल्कुल नहीं. तो हम इसका आंसर लिखेंगे एन कैपिटल नो. द ट्रीज शुड नॉट बी कट, फुल स्टॉप. ओके, नेम सम ट्रीज, कुछ पेड़ों का नाम बताइए विच यू हैव सीन, जो आपने देखे हैं. तो हम लिखेंगे फ्यू ट्रीज विच आई कैपिटल आई हैव सीन आर, अब एन नेम ट्री कॉमा मैंगो ट्री कॉमा अशोका ट्री एटसेट्रा. एटसेट्रा मतलब और भी बहुत सारे. सो फ्यू ट्रीज विच आई हैव सीन आर नीम ट्री मैंगो ट्री अशोका ट्री एटसेट्रा. ओके, एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ, मुरलीज मैंगो ट्री. ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर लाइकिंग माय चैनल एंड द वे आई एम टीचिंग, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को एंड शेयर कीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 1. बाय बाय, दिस इज हीना.